नमस्कार, आज की खबर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको बताएंगे आज की खबर चैनल में हम आपको कौन कौन सी खबरों से रूबरू करवाएंगे। हम आपको आज की खबर चैनल में बताएंगे आज की सुर्खियों के अंदर चारा घोटाला फैसला आज की खबर, दिल्ली का अय्याश बाबा की खबर। कारोबार जगत की खबरों में हम आपको बताएंगे बैंक ऑफ इंडिया 700 ATM बंद करेगा की खबर। बिटकॉइन का बाजार भाव 40% तक गिर गया है की खबर। मनोरंजन जगत की खबरों में हम आपको बताएंगे टाइगर जिंदा है मूवी सुपर डुपर हिट हो सकती है की खबर। और खेलकूद की खबरों में हम आपको बताएंगे क्रिकेट की खबर। तो अब आप हमारे साथ बने रही है, हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। तो शुरू करते हैं चारा घोटाला फैसला आज की खबर। हम आपको बताएंगे चारा घोटाला के बारे में। चारा घोटाला के बारे में हम आपको यह बताएंगे कि चारा घोटाला, चारे के अंदर जो घोटाला हुआ है उसी को चारा घोटाला कहेंगे। और ये चारा घोटाला किया है किसने, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने। अब फैसला आज आ जाएगा, CBI की जो विशेष अदालत है वो आज फैसला कर देगी कि ये चारा घोटाला हुआ है या नहीं। तो इसके बारे में हम आपको पूरा अपडेट करते हैं। तो शुरू करते हैं चारा घोटाला के मुख्य आरोपी बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र समेत 22 लोगों का फैसला आज CBI की जो स्पेशल कोर्ट है वो कर सकती है। हम आपको यह बताएं यह मुकदमा कब दर्ज हुआ था। यह मुकदमा 27 अक्टूबर 1997 को CBI ने दर्ज किया था और जब से लेके अब तक इस केस की जो सुनवाई है वो चल रही है। आज इस केस का जो फैसला है वो CBI की विशेष अदालत दे सकती है। तो आप हमारे साथ अपडेट बने रहिए, हम आपको बताएंगे क्या लालू प्रसाद यादव और जो भी आरोपी है उनको सजा होगी और सजा होगी तो कितने सालों की होगी। तो आप हमारे साथ अपडेट रहिए। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर, और अगली खबर हम बता रहे हैं आपको दिल्ली से। दिल्ली के अंदर आपने एक नाम सुना होगा और उसका नाम हम आपको बताएं वीरेंद्र देव दीक्षित। नाम नहीं सुना होगा लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि वीरेंद्र देव दीक्षित एक बाबा है। और ये बाबा कहाँ रहता है, दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर क्या करता है, जो गुरमीत राम रहीम सिंह किया करता था। तो अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के अंदर एक अय्याश बाबा को पुलिस ने धर दबोचा है और उसकी कार्रवाई चल रही है और क्या क्या खुलासे हो रहे हैं नए, हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराते हैं। तो शुरू करते हैं, गुरमीत राम रहीम सिंह के बाद अब पुलिस के निशाने पर आ गया है नया बाबा, नाम है वीरेंद्र देव दीक्षित। वीरेंद्र देव दीक्षित ने दिल्ली के रोहिणी नगर में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय आश्रम बना रखा था। यह 4 मंजिला बिल्डिंग है, हम आपको बताएं 4 मंजिला बिल्डिंग बना रखी थी इस आश्रम से। 40 से ज़्यादा लड़कियां औरतें बरामद की गई है। हम आपको ये भी बताएं, बरामद का मतलब है कि इस बाबा ने उन लड़कियों को नज़रबंद कर रखा था या कैद कर रखा था। और जब उनसे सवाल जवाब किया गया कि आपने इनको यहाँ बंद क्यों कर रखा है, तो जो बाबा के जो चेले हैं वो कहते हैं कि ये महिलाएं बीमार है, यहाँ पर इलाज चल रहा है इनका। अब हम आपको बताते हैं आगे, बाबा 3री मंजिल पर रहता था, 4 मंजिल का ये बिल्डिंग थी और 4 मंजिल के अंदर 3री मंजिल पर रहता था बाबा। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि खबर ये भी आ रही है हमारे पास कि 10 लड़कियों का रोज यह बाबा यौन शोषण करता था। हर एक मंजिल पर उम्र के हिसाब से यह लड़कियां रखता था। हम आपको यह बताएं, 3री मंजिल पर यह खुद रहता था तो 3री मंजिल पर यह कौन सी उम्र की लड़कियां रखता था। हम आपको बताते हैं कि 3री मंजिल पर यह 28 साल से जो छोटी लड़कियां होती है उसको रखता था। बाबा ने 4 मंजिला इमारत के साथ क्या कर रखा था, एक बिल्डिंग और अटैच कर रखी थी और उसका रास्ता बाहर से नहीं था, उसका रास्ता अंदर से था। और उसके अंदर कौन जाता था, VVIP लोग, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हम आपको ये बताएं, पुलिस टीम और महिला आयोग की जो टीम है वो मिलकर सर्च अभियान कर रही है। आगे क्या क्या नए नए खुलासे होते हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब हम आपको बताते हैं आपको अगली खबर, और अगली खबर हम ले रहे हैं कारोबार जगत से। कारोबार जगत से हम आपको बताते हैं पहली खबर बैंक से। बैंक ऑफ इंडिया BOI 700 ATM बंद करेगा की खबर। बैंक ऑफ इंडिया BOI अपने 700 ATM को जल्द ही बंद कर सकता है। क्यों करेगा बंद,
क्योंकि बैंक के अंदर कुछ बदलाव चल रहे हैं, यह कहना है बैंक के एक अधिकारी का। तो इस कारण ये बदलाव किए जा रहे हैं, तो आप इससे कोई चिंतित ना होइए कि कुछ होगा, ये बैंक के अंदर कुछ बदलाव है। हम आपको ये भी बताते हैं, अभी कुछ समय पहले PNB पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपनी कुछ ब्रांचेज को मर्ज किया था या उनको बंद किया था, तो वो भी एक बदलाव का हिस्सा ही है। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर, और अगली खबर हम आपको बता रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। आप बिटकॉइन का नाम आजकल कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हो, हम ये भी देख रहे हैं कि हर जगह बिटकॉइन के वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं, बिटकॉइन में माइनिंग कैसे करें, बिटकॉइन को कैसे खरीदें, बिटकॉइन को कैसे बेचें। अब हम आपको खबर बताते हैं कि बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन का जो बाज़ार भाव है वो 40% तक नीचे आ गया है। हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराते हैं। बिटकॉइन का जो मूल्य है वो एक सप्ताह पहले 12 लाख तक पहुंच गया था, आज की बात करें तो बिटकॉइन 40% नीचे आ गया है। आज की तारीख में बिटकॉइन का मूल्य हो गया है $13,000 अर्थात 8,32,266 रुपये। हम आपको ये बताएं, यह भाव और नीचे भी आ सकता है। जिन लोगों ने बिटकॉइन खरीद रखा है वो होल्ड करके रखें, और नए लोग जो बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं वो आज से 2 दिन बाद यानी कि मंडे को खरीदें। हो सकता है कि जो बिटकॉइन का भाव है वो थोड़ा नीचे और आ जाए, तो आपको एक कम रेट मिल जाए, अच्छी रेट मिल जाए। आने वाले समय में हम आपको ये बताते हैं कि बिटकॉइन का भाव बढ़ सकता है, क्योंकि जो खबरें आई है कि कई जगह बिटकॉइन का जो ट्रेडिंग है वो शुरू हो गई है कई एक्सचेंजों के अंदर, तो हो सकता है आने वाले समय में ये जो बिटकॉइन है इसका भाव बढ़े, और जहाँ तक हो सकता है कि 2018 के एंड तक ये भाव 15 से लेके 20 लाख तक जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं मनोरंजन जगत की खबरों के बारे में, और मनोरंजन जगत की खबरों में हम आपको अपडेट करते हैं टाइगर जिंदा है मूवी सुपर डुपर हिट हो सकती है की खबर। हम आपको बताते हैं कि सलमान खान की जो मूवी है टाइगर जिंदा है वो फ्राइडे को रिलीज हो चुकी है, और रिलीज होते ही इसने ब्रेक करना शुरू कर दिया है, मतलब रिकॉर्डों को ब्रेक करना शुरू कर दिया है। और कौन कौन से रिकॉर्ड आने वाले समय में ये ब्रेक करेगी ये मूवी को देख कर ही लगता है। वो आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो इस मूवी का जो फ्राइडे है ओपनिंग डे उस दिन पता चल गया कि यह मूवी चलेगी, चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। तो ये खबर हम नहीं दे रहे हैं आपको, ये खबर दे रही है आम लोग जो इस मूवी को देख रहे हैं। जब मूवी देख कर लोग बाहर आए तो उनसे पूछा कि भाई ये मूवी आपको कैसी लग रही है, तो उनका जवाब यह है कि यह मूवी बहुत ही बढ़िया है, इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, स्टोरी भी अच्छी है, और सभी कलाकार जो भी इस मूवी में काम कर रहे हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर, और अगली खबर हम ले रहे हैं खेलकूद से जुड़ी। खेलकूद की खबरों में हम आपको बताते हैं क्रिकेट के बारे में, और क्रिकेट के बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कल रोहित शर्मा ने बहुत ही ज़्यादा शानदार पारी खेली, कई छक्के लगाए, कई उन्होंने चौके लगवाए, और कई रन तो उन्होंने चौके छक्के से ही बना लिए। तो हम आपको बता रहे हैं कल के मैच के बारे में, कल का मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच जो सेकंड T20 मैच खेला गया था इसके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। रोहित शर्मा की पारी शानदार थी, और तो पारी शानदार थी तो इसका मतलब है कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको दिया गया, रोहित शर्मा को। हम आपको बताते हैं पूरे स्कोर कार्ड के बारे में कि इंडिया ने कल अपनी पारी में खेलते हुए कितने रन बनाए, 260 रन बना लिए, और कितने ओवर में, 20 ओवर के अंदर। श्रीलंका ने कितने रन बनाए, सिर्फ 172 रन बना पाई और ऑल आउट हो गई श्रीलंका, और कितने ओवर में हो गई ऑल आउट, 17.2 ओवर के अंदर। तो इस प्रकार जो रोहित शर्मा खेले, अपने रन बनाए और श्रीलंका को हराया, हम तो यही मानते हैं कि ये सिर्फ एक तरफा ही जीत रही कल की। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर, और अगली खबर हम बता रहे हैं आपको कि आज सुबह 3:30 एक मैच स्टार्ट हो गया था, और वो मैच खेला गया था न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में, यह दूसरा ODI मैच खेला गया था। हम आपको यह बताएं इस मैच का रिजल्ट आ चुका है, यह मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया है, कितने रनों से, 204 रनों से। हम आपको बताते हैं प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में, प्लेयर ऑफ द मैच का वो ट्रेंट बोल्ट को दिया गया। हम आपको यह बताएं न्यूजीलैंड ने अपनी पारी में खेलते हुए 325 रन बना लिए, 6 विकेट खोकर और 50 ओवर के अंदर, तो वेस्ट इंडीज
ने जो अपनी पारी खेली उसके अंदर वो 121 रन पर ही ऑल आउट हो गई, हम आपको ये बताएं, और 28 ओवर के अंदर। तो यह मैच आसानी से न्यूजीलैंड ने जीत लिया, वो भी बहुत ही ज़्यादा रनों से, 204 रनों से। तो दोस्तों यह हमारी आज की खबरें, आप हमारे चैनल को रोजाना की तरह लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।